Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Brainstorming Knowledge, and today we have question number 6, that is the last question of this chapter, lines and angles. Okay, so chaliye start karte hain. In the given figure, the sides QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half of angle QPR. यानी कि दो इस ट्रायंगल में एक पी क्यू आर और टी क्यू आर दो ट्रायंगल है हमारे पास. ये प्रोड्यूस किया गया है, ये वाला ट्रायंगल जो है ये प्रोड्यूस किया गया है एस पॉइंट तक, और इस पे दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट टी. यानी कि ये जो टी आर और टी क्यू एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और ये आपस में मिल रहे हैं पॉइंट टी पे. देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल is equal to, ये बराबर होना चाहिए half of angle QPR, half of angle QPR, यानी कि इस angle के half के बराबर. तो चलिए start करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है. शाबाश. अगर सबसे पहले अगर नजर डालो तो इस triangle में QTR में ये exterior angle है TRS, और इसी तरह angle triangle PQR में PRS जो है ये exterior angle है. तो यही हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इन triangle, इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे QTR के लिए, इन ट्रायंगल QTR एंगल TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल. ओके, एंगल TRS जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो देयरफॉर एंगल है, तो देयरफॉर एंगल QTR प्लस एंगल TQR इक्वल टू एंगल टी आर एस. मैंने दिस एंगल प्लस दिस एंगल इनका सम लिखा बराबर इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल. दो इंटीरियर एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. तो शाबाश, एंगल क्यू टी आर ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू एंगल टी आर एस. ये टी क्यू आर जो है इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड आने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा, और इसका नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, एंगल क्यू टी आर हमें एंगल टी आर एस के बराबर मिलता है माइनस एंगल टी क्यू आर के बराबर, और इसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं. इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें पी क्यू आर की, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, पी आर एस, यानी कि ये सारा एंगल एक्सटीरियर एंगल है. Angle PRS is an exterior angle. तो इसमें भी sum of two interior angles of a triangle is equal to its exterior angle होगा. तो हम ऐसे लिखते हैं, therefore angle QPR plus angle PQR equal to angle PRS. This angle plus this, ये सारा angle ये होगा बराबर, ये इस सारे angle के बराबर PRS के बराबर. इक्वल टू एंगल QPR ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू PRS, ये साइड पॉजिटिव है, इस साइड आने के बाद ही नेगेटिव बन जाएगा. फिर ऐसे एंगल PQPR इक्वल टू ये PRS जो है PRS, ठीक है, इस पे एंगल बाइसेक्टर TR है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टू टाइम्स एंगल TRS. हम टी आर एस को दो बार लिख रहे हैं, यानी कि वही है ना बराबर टी आर एस के, माइनस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इसको भी हम ऐसे लिखेंगे टू टाइम्स एंगल टी क्यू आर. ठीक है, टू टाइम्स एंगल टी क्यू आर, यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बिकॉज क्यू टी एंड और आर टी आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, अभी यहां तक समझ में आया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं. QPR इक्वल टू टू टाइम्स एंगल TRS माइनस टू टाइम्स एंगल TQR, ये हम ऐसे लिखते हैं एंगल TQPR इक्वल टू, टू दोनों में है तो टू कॉमन कर लेते हैं हम, अंदर बचा एंगल TRS माइनस एंगल TQR. QPR ऐसे ही इक्वल टू टी आर एस माइनस टी क्यू आर, यहां पे अगर आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में टी आर एस माइनस टी क्यू आर वो किसके बराबर है,
QTR के बराबर, यानी कि इसके बदले हम QTR लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दो यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज की यहाँ पे, TRS माइनस TQR हमने निकाला था QTR के बदले के बराबर, और वही हमने इसके बदले यहाँ पे लिखा। बस अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो एंगल QPR, एंगल QPR इक्वल टू QTR दिस एंगल की, लेकिन ये टू जो है ये मल्टीपल में, इस साइड आने के बाद ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें आंसर मिलता है हाफ ऑफ QPR इक्वल टू QTR, और यही हमें शो करना था कि QTR आप दिखाओ हाफ ऑफ QPR के, तो हाफ ऑफ QPR हमने दिखाया।